आज के इस वीडियो में मैं आपको व्यू लुकअप के बारे में बताने वाला हूं कि आप एक्सेल में व्यू को लुकअप कैसे लगा सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। सबसे पहले हम अपनी एक्सेल में कोई फाइल बना लेते हैं जिसमें हमें व्यू लुकअप लगाना है। जैसे मेरी एक फाइल है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको किसी भी नाम सेव कर लेंगे जो आपको चाहें। न्यू फाइल के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपके पास वो डाटा तो अवेलेबल होगा जिसपे आप लुकअप लगाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर वो डाटा बना लेता हूँ। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, रोल नंबर है और स्टूडेंट के नाम है, रोल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से मेरे पास रोल नंबर काफी सारे रोल नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। नाम भी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, दीपक मोहन, रोहन, रोहन, अमित, अमित, सुमित, ये मेरे पर नाम हो गए हैं। इसमें आप और भी कोई फील्ड ले सकते हैं, जैसे क्लास 5, 6 ये हो गया, ये डाटा मेरे को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दोस्तों मुझे ये डाटा जो है अपने किसी दूसरी वर्कशीट में ले जाना है व्यू लुकअप के थ्रू, या किसी दूसरी फाइल से एक दूसरी फाइल में जाना है। ये फाइल मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसको भी सेव कर देते हैं। न्यू फाइल 2 के नाम से अब मुझे यहाँ पर वो डाटा लाना है। तो वीलुकअप के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर रोल नंबर ले लेने हैं, अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट के नाम ले लेने हैं और क्लास। देखिए अब मुझे यहाँ पर वो डाटा लाना है, कैसे लाएंगे, तो आपको यहाँ पर इक्वल टू सिंबल लगाना है, वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर देना है। सबसे पहले आपको जो रोल नंबर का डाटा आपको उठाना है वो सिलेक्ट करना होगा। सपोज कीजिए आपको ये वाला नंबर उठाना है, तो ये सिलेक्ट कर लेना है, इसका नाम आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद ये ऑन कर दिया। उसके बाद आपको उस फाइल में जाना है, टेबल एरे, जहाँ पर से आपको डाटा लाना है। तो मेरी फाइल यहाँ पर ही सेव है, अभी ओपन है न्यू फाइल, ये फाइल से लाना है मुझको। कहाँ से लाना है, ये रोल नंबर वाले फील्ड में और इसमें, ठीक है, इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लूँगा रोल नंबर और जहाँ पर डाटा लाना है। देखिए अब मैं यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर दिखा रहा R1R and into 2C। तो हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करने के बाद कोमो वाला बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह बोल आ रहा है, यहाँ पर कोमो प्रेस कर देंगे, ये कोमो पीछे आ गया। उसके बाद अब आपको जोन सी कॉलम लानी है, 1 और 2, 2 कॉलम लानी है दूसरी वाली, तो यहाँ पर 2 प्रेस कर देंगे और कोमा, और लास्ट में 0 प्रेस कर देना है आपको और ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दीपक के नाम पर जो स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर आ गया है। अगर मैं पहले वाली फाइल में चेक करूँ तो पहले एक नंबर पर दीपक ही होगा यहाँ पर,
दो नंबर में मोहन है, तीन नंबर पर सोहन है और मेरी इस फाइल में एक नंबर डाटा आ गया है। तो मैं इसको जैसे ही यहाँ से इस तरह फिल करूँगा इस तरह से, तो ये डाटा मेरा सभी का यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर टू हो जाता है तो यहाँ पर रोल नंबर टू का डाटा यहाँ पर आ जाएगा, मोहन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं उस फाइल में कोई नाम चेंज करता हूँ जैसे यहाँ पर दीपक है अभी, और मैं अपने उस फाइल में मास्टर एडिटर में अपना नाम चेंज कर देता हूँ, दीपक ही चेंज कर देता हूँ रवि कुमार, ओके, तो ये नाम मेरा जो नई वाली फाइल में बनाई वहां पर भी रवि कुमार ही हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से वीडियो को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और किसी भी दूसरी फाइल के डाटा को फैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे आने वाले सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।